हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारा रोचि इलेक्ट्रॉनिक का स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में थ्री फेस एनर्जी मीटर है, KWH मीटर है। इस मीटर का हम लोग पावर वायरिंग कैसे करते हैं, अगर पावर वायरिंग अच्छी तरह से आप नहीं करेंगे तो आपके घर के बिजली के बिल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है कि इस मीटर का हम लोग पावर वायरिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, इसका वायरिंग कैसे करते हैं, इसका रीडिंग कैसे चेक करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोग आप देख सकते हैं हमारे साथ में बहुत सारी शॉप का दुकान का मीटर लगा हुआ है, 10-15 मीटर लगा हुआ है, ताकि हमको ये हम दुकान के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन हमको इसका वायरिंग कैसे करते हैं, अलग अलग दुकान का अलग अलग वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं, आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फर्स्ट हमारे साथ में एक मेन पैनल है, मेन डीवी है। ये पैनल में हमारे इलेक्ट्रिसिटी से मेन सप्लाई यहाँ पे आता है, मेन पावर यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद में मेन इनकमर देख सकते हैं, उसका आउटपुट से जो MCC भी लगा हुआ है वहाँ से एक एक मीटर में पावर चला जाएगा। ये मीटर से दूसरे मीटर में जितने भी ब्रेकर हैं वो ब्रेकर के आउटपुट से आपको मीटर में डायरेक्ट पावर चला जाएगा। एक एक शॉप का एक एक MCC भी लगा हुआ है, ब्रेकर लगा हुआ है, उसके थ्रू आपको ये भी जो जितने भी ब्रेकर लगा हुआ है इस ब्रेकर से आपको मीटर कई अलग अलग शॉप की मीटर है, MCC भी है, इधर से आपको मीटर के अंदर चला जाएगा पावर थ्री फेस ROEB और न्यूट्रल। फिर वहाँ से मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारे ब्रेकर से जो थ्री फेस सप्लाई आएंगे वो एक एक मीटर के साथ में एक फ्यूज लगा हुआ है, वो फ्यूज में चला जाएगा सप्लाई, थ्री फेस सप्लाई। अब देख सकते हैं अभी मैं आपको डायरेक्ट एक एक पॉइंट के ऊपर मैं टेस्टर के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो MCCB से आ रहा है, जो ब्रेकर से आ रहा है, रेड, येलो और ब्लू, ये फ्यूज के थ्रू होते हुए, ये न्यूट्रल का टर्मिनल है, ये फ्यूज के थ्रू होते हुए इस मीटर के इनपुट में चला जाएगा और येलो फेस भी इनपुट में चला जाएगा ये फ्यूज के आउट से, और ब्लू फेस है जो फ्यूज के आउट से आपका मीटर के इनपुट में चला जाएगा और न्यूट्रल डायरेक्ट उसका मीटर का इनपुट में चला जाएगा। मीटर के आउट से जो निकलेगा एक एक केबल ROEB और न्यूट्रल, वो डायरेक्ट हमारा जो मेन डीवी रहता है, अपने हमारे घर के अंदर जो डीवी लगाए रहते हैं उस डीवी के अंदर चला जाएगा, हमारे शॉप के अंदर जो डीवी लगाए रहते हैं उसके अंदर ये चला जाएगा। जो एक एक मीटर से जो आउट हो रहा है केबल उसके अंदर फ्यूज नहीं है, जो इनपुट का केबल उसके अंदर फ्यूज है, ये केबल जो मीटर से निकला हुआ केबल है ROEB वो डायरेक्ट आपको शॉप के अंदर चला जाएगा, आपके शॉप के अंदर जो डीवी लगी रहेगी उसके अंदर चला जाएगा। इस मीटर के अंदर जो आप देख सकते हैं जो आउट का केबल है मीटर से निकल के ट्रंकिंग के माध्यम से होते हुए आपको इस जो घर में आपके शॉप में जो ऐसा इस टाइप का डीबी लगा रहेगा उस डीबी के अंदर डायरेक्ट थ्री पे सप्लाई चला जाएगा, और इसके अंदर जो MCCB LCB लगा हुआ है उसके थ्रू आपको शॉप में जितने भी लाइट लोड रहेंगे, आपके फैन है, कूलर है, AC है, जो भी कुछ आप लोड यूज करें उसके थ्रू आपको इस डीबी के माध्यम से सप्लाई पावर मिलेगा। जो हमने घर में हमको लाइट यूज करें, फैन यूज करें, जो भी कुछ हम लोग घर में यूज करते हैं उसको आपको इस डीबी के माध्यम से मिलेगा। आपके घर में जितना भी एनर्जी यूज करेंगे आपको मीटर के अंदर उतना रीडिंग शो करेगा, इस मीटर के अंदर रीडिंग शो करेगा, क्योंकि आपको हम लोग जितना यूज करेंगे उस हिसाब से आपका मीटर के एक एक शॉप का अलग अलग रीडिंग शो करेगा। अभी आप देख सकते हैं इस मीटर में रीडिंग शो कर रहा है, आपका मीटर का जो रीडिंग है वो घूम रहा है, आप देख सकते हैं चक्कर जो घूम रहे हैं ऐसे, क्योंकि अभी मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए आपको इसके अंदर मीटर चल रहा है, मीटर आपका लोड में शो कर रहा है। आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगा तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके मन में कुछ भी सवाल हो इलेक्ट्रिक से रिलेटिव तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इलेक्ट्रिक से रिलेटिव नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।